जिलों की नगरी उदयपुर का मौसम सुहावना है और सभी जिलों की नगरी के वासियों की यही कामना रहती है कि कब फतेह सागर छल के हम यहां पर फतेह सागर के उस स्थान पर आए हैं जहां पर ये फतेह सागर छलकता है। और हम आपको आज खुशखबरी देते हैं कि फतेह सागर छलकने की शुरुआत हो गई है और आप ये नज़ारे देख रहे हैं जिस तरह से पानी अब पूरी तरह से झील में भर रहा है, उससे लग रहा है कि फतेह सागर अब बहुत जल्द छलक गया है और इसकी शुरुआत हो गई है। आप देख रहे हैं ये नज़ारे फतेह सागर झील के हैं जहां पर जो नाला गिरता है फतेह सागर का, वहां पर फतेह सागर झील में से पानी निकलने की शुरुआत हो गई है। पूरे शहर वासियों को हमारी ओर से बधाई कि उनकी मनोकामना पूरी हो गई है और इंद्रदेव ने खूब मेहरबानी की है। इस वर्ष हमारे साथ में यहाँ पर जो जिलों की नगरी के वासी यहाँ पर आए हैं काफ़ी खुश दिख रहे हैं और इनके साथ में इनके इष्ट मित्र भी आए हैं। मनमोहन जी आलोक स्कूल से हैं और काफ़ी इनके गीत संगीत और पूरा मजमा फेमस है। नमस्कार उदयपुर वासियों, क्या कहना चाहते हैं इस पहली खुशी पे कि फतेह सागर छलक गया है? क्या बिल्कुल और शुरुआत हो गई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि इंद्र भगवान मेहरबान हुए हैं और प्रकृति का हमारे पे आशीर्वाद बना है। उदयपुर की झीलों का सौंदर्य का एक इष्ट स्थान अगर देखा जाए तो फतेह सागर की ये पाल है, जहाँ पे जब नाला छलकेगा, जब रंग बिरंगी रोशनी में जब उस नाले को आप देखेंगे। आज ठीक है, वैश्विक महामारी की वजह से लोगों की भीड़ शायद भयग्रस्त थोड़ी कम है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए यहाँ पे जरूर आएंगे और इस मौसम का, इस नाले का आनंद लेंगे। मेरे साथी पुष्कर जी हैं आलोक के सशक्त स्तंभ। और आप बताएं किस तरह की खुशी हो रही है आपको, ये पहला नज़ारा आप देख रहे हैं जी, बताएं। बहुत खुशी हो रही है और उदयपुर वासियों को शुभकामनाएं बधाइयां। जैसा कि मेरे दोनों हमारे पुष्कर जी सर बहुत ही संजीदा व्यक्ति हैं, उन्होंने अपनी मुस्कुराहट से ये बता दिया कि मैं बहुत खुश हूँ, परिवार खुश है। देखिए दर्शकों, पहली बार आपके इस चैनल के ऊपर छलकने का वह दृश्य आनंददायक और कुछ समय बाद शायद ये पूरी चादर छलकती दिखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ये नज़ारा आपको दिखा रहे हैं हम। फतेह सागर छलकने की शुरुआत हो गई है और पानी यहाँ से गिरना शुरू हो गया है। अब यहाँ पर पाटिए भी लगाए जाएंगे और शहरवासियों को एकदम पूरी तरह से जो खुशी का नज़ारा जो देखने को मिलेगा वो यहीं से मिलेगा। फतेह सागर झील छलकने की शुरुआत हो गई है और यहाँ पर कई लोग देखने के लिए भी आ रहे हैं। इसकी शुरुआत पानी खूब बरसा है इस साल को हम दिखा रहे हैं। ये फतेह सागर झील का जो पैमाना पैरामीटर हैं जो या मीटर लगाया हुआ है वो 12 से ऊपर आ गया है और ये 13 तक बराता है और ये काले किवाड़ तक पानी आ गया है और हिलोरे ले रहा है। नज़ारा आप देख रहे हैं फतेह सागर झील का, काफ़ी खुशनुमा मौसम है और यहाँ पर जो पर्यटक के साथ में शहरवासी भी अब आ रहे हैं इस नज़ारे को देखने के लिए। ये गुब्बारे बेचने वाला भी यहाँ आया है। ये खुशी का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर चना चोर गरम है और ये खुशनुमा नज़ारा
आप देख रहे हैं फतेहसागर झील का, और यहाँ जो आए हैं लोग रंग बिरंगे गुब्बारों के साथ में फोटो भी खिंचा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, और मौसम अच्छा बना हुआ है, देखने लायक है। एक फीट 12 फीट फतेहसागर भर गया है, एक फीट खाली है। हाँ, छलकने की शुरुआत हो गई है और धीरे धीरे पानी छलक रहा है। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये अच्छी तरह से धुआंधार पानी छलकने लग जाए, सदा भरा रहेगा तालाब। ये आप नज़ारा देख रहे हैं, स्वरूप सागर के नज़ारे हैं, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ के दो गेट खोले गए हैं और जल राशि यहाँ से निकल रही है। ये दृश्य एकदम मनमोहक और अद्भुत दृश्य है, स्वरूप सागर के ये दृश्य आप देख रहे हैं।